हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग इन AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड विद अवर स्टेप नंबर 8.1 विच गिव्स विद मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अक्वायर्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 61। सो इन दिस एग्जांपल डाटा गिवन है, सो ऑन 1st January ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर सो एंटिटी एच एक्वायर 100% शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी एस ₹4,1500 lakhs। द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंटिटी एस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आर गिवन बिलो टू गेट द बिगर टैक्स बेसिस इन एंटिटी एस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। तो आपको मेंशन किया है 5 जनवरी को एच ने 100% इक्विटी एक्वायर की है एस लिमिटेड के ₹4,1500 lakhs। ये हमारा है कॉन्सिडरेशन, और इसी डेट को आपको बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू भी है ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एस लिमिटेड। सो एनी गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन इज नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पज। द टैक्स रेट इन एंटिटी एच एंड एस ज्यूरिसडिक्शंस आर 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। जो एच का जो एरिया है ज्यूरिसडिक्शन एरिया, उसमें टैक्स रेट है 30% और एस है आपका 40%। तो आप देखिए डिफरेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको दी हैं, उनकी बुक वैल्यूज दी हैं, टैक्स बेस में कितनी वैल्यू है और फेयर वैल्यू दी है। इतने ये जो क्वेश्चन है जिसे मेनली रिलेटेड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी। तो लैंड और बिल्डिंग है देखो, उसकी बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड कैश अकाउंट्स पेबल एंड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इन सब की हमें बुक वैल्यू भी है, इसका कोई यूज नहीं है। हमें फेयर वैल्यू भी दी है, उस बेस पर हम एक्विजिशन की एंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, और आपको टैक्स बेस में कितनी वैल्यू है वो भी मेंशन की है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ डेफर्ड टैक्स अराइजिंग ऑन एक्विजिशन। तो मेन क्वेश्चन ये है कि हमने डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन। को देखते हैं, बता रहे नेट एसेट देखो आपकी कितनी है, उसकी देखेंगे हम टैक्स में कितनी वैल्यू है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। इट मीन्स जिस क्वेश्चन की मेनली रिलेटेड विद कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन एक्विजिशन। इसमें हमें दो कॉलम्स बना लेते हैं, रुपीज देखो आपको ये चल रहे हैं लैक्स में, तो एक आपको शो करनी है फेयर वैल्यू एंड वन ये टैक्सेशन में जितनी वैल्यू है आपकी टैक्स बेस वैल्यू। तो फर्स्ट लेकिन से एसेट्स आपको दी हैं, नंबर वन इज लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो इट्स फेयर वैल्यू इज गिवन 700 lakhs एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 270 lakhs। देन इट इज इन्वेंट्री रिसीवेबल एंड कैश, इनकी फेयर वैल्यू हमें दी हैं इन्वेंट्री 80, 150 एंड 130। अब इनकी टैक्स बेस में वैल्यू है 500, 200, 200 इन्वेंट्री यानी कि 150 एंड 130। सो देन वी आर गिवन लाइबिलिटीज एंड अकाउंट्स पेबल एंड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो पहले देखें टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आर 7 + 2 = 970, सो +80 + 280, सो फेयर वैल्यू इज 133 एंड टैक्स बेस वैल्यू 5 + 7 = 8 + 2 = 108। तो लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आपको मेंशन किया है अकाउंट्स पेबल है रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, अकाउंट्स पेबल एंड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। अब देखो इसकी जो फेयर वैल्यू है 160 एंड 100, इट मीन्स टोटल ये 260, टोटली मैं लिख रहा हूँ दोनों का 260। टैक्स बेस में वैल्यू आपको दी है ओनली ऑफ अकाउंट्स पेबल 100, रिटायरमेंट बेनिफिट की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स बैलेंस आ जाएगा आपका नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स वी आर गेटिंग 1330 - 260, 1070 ये है इसकी फेयर वैल्यू, और बुक वैल्यू है आपकी 980। तो आप देखेंगे जो फेयर वैल्यू है अब आपकी नेट एसेट्स की जिस मोर देन अवर टैक्सेशन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी हमारी बुक्स में जो फेयर वैल्यू है, इट मीन्स वी विल चार्ज मोर कैपिटलाइजेशन इन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का प्रॉफिट हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा।
बल्कि टैक्सेशन में आपको डेफिनेशन बुक वैल्यू के बेस पर ही मिलेगी। इसमें यहाँ पे फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की लेस है, तो इसका मतलब है इसमें एक्सपेंस हमारा कम होगा, डेफिनेशन कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो यहाँ हमें ज़्यादा टैक्स पे करने हैं। सो देयर फॉर वी हैव टू क्रिएट, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जितना भी आपका डिफरेंस है। और टैक्स आपने कहाँ पे करना है, तो ये हमने पे करना है सब्सिडियरी कंपनी के ज्यूरिसडिक्शन में, और उसका जो रेट है वो है आपका 40%। तो इट मीन डिटेल क्रिएट होगी आपकी एट द रेट ऑफ 40%। तो आप देखिए हाउ मच इज यू इंक्रीज, -980 इंक्रीज है हमारा 90 इंटू, तो टैक्स रेट आपको दिया ही है सब्सिडियरी का 40%, तो दिस विल बी 36, तो दिस विल बी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अब हम इसकी देखो गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखो इसकी लिखते हैं अकाउंटिंग एंट्री इन बुक्स ऑफ एक्वायरर। एक्वायरर इज गिवन अवर एच लिमिटेड इन बुक्स ऑफ एच कंपनी। अब देखिए क्या एंट्री होगी आपकी, नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर की हैं अकाउंट डेबिटेड, रुपीज आपके हैं लैक्स में, टू कॉन्सिग्रेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो नेट एसेट्स को आपने रिकॉग्नाइज करने हैं फेयर वैल्यू के बेस पर, जैसे 1070। कॉन्सिग्रेशन देखो आपको मेंशन किया था 1500 लैक्स में हमने बिजनेस एक्वायर किया है, कॉन्सिग्रेशन ही 1500 लैक्स, और आपकी डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 36। तो डिफरेंस आपका आ जाएगा गुडविल में, मीन्स वी कैन आल्सो से गैट टू गुडविल जो है आपकी किसी भी कॉन्सिग्रेशन वो आपने पे करने हैं प्लस डेफर टैक्स लाइबिलिटी माइनस नेट एसेट्स जो आपने एक्वायर की हैं एट फेयर वैल्यू, जिसे जो 1500 प्लस 36 माइनस 1070 जिसे अवर गुडविल 1536 माइनस 1070 466 इज अवर गुडविल, जिसे 466। नेक्स्ट है किसी एग्जाम्पल 62, इसमें देखिए रेखा मेंशन किया है ए लिमिटेड मर्क्स विद बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन होली ओन सब्सिडरी ऑफ एम लिमिटेड एंड ऑन मर्जर, हाउ विल दिस इन्वेस्टमेंट बी अकाउंटेड फॉर इन योर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बी लिमिटेड। तो देखो आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में ए लिमिटेड है ये मर्ज हो रही है विद बी लिमिटेड, एक में बी लिमिटेड है अक्वायरर, बी इज अक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ए एंड ए लिमिटेड इज अक्वायरी। जो ए है इसकी बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट अपेयर हो रही है बिकॉज एक है जो होली ओन की सब्सिडरी एम लिमिटेड, तो इसकी एक सब्सिडरी है तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है विच अपियरिंग इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड। तो इट मीन होली ओन सब्सिडरी में एक रिप्रेजेंटेशन 100% इक्विटी ऑफ दिस एम कंपनी। अब क्वेश्चन है कि जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर करेगी, इसमें उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हम एक्वायर कर रहे हैं, उसको जब हम कंबाइन करेंगे थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन इनकी बुक्स ऑफ बी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी बी की बुक्स में आपने जो है कंबाइन करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है। अब क्वेश्चन ये कि इसको किस वैल्यू पर आपने रिकॉग्नाइज करना है, तो वे आर आस्किंग एट व्हाट वैल्यू बी लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज, बी लिमिटेड विल रिकॉग्नाइज इस इन्वेस्टमेंट को। जो बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है आपका, तो जो भी एक्वायरी कंपनी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हम मर्ज कर रखे हैं एक्वायरर की बुक्स में, तो उसको किस वैल्यू पर करना है, हमारा बेसिक रूल क्या है एज पर इंड एएस 103, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आप एक्वायर करके हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड, तो इनको हम वैल्यू करके हैं गिगर वैल्यू एट इट्स फेयर वैल्यू, जो भी इसकी फेयर वैल्यू होगी ओन एक्विजिशन डेट। इट मीन्स अब आपने जो इन्वेस्टमेंट है एम लिमिटेड में एक्वायरी के बुक्स में जो भी वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं करना है, हम देखेंगे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। इट मीन दिस इन्वेस्टमेंट विच इज एक्वायर्ड बाई बी लिमिटेड थ्रू ए लिमिटेड इट विल बी वैल्यूड एट इट्स फेयर वैल्यू, उसको आपने वैल्यू करना है इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ऑन एक्विजिशन डेट, जो भी एक्विजिशन डेट है।
अब उसके बाद अब ये जो फेयर वैल्यू है, जिस वैल्यू पर आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, अब ये बी के लिए इसकी कॉस्ट बन जाएगी। सो इट विल बी क्रिटिकल जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। अब आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। अब बी लिमिटेड इसको कैसे मेजर करेगी फ्यूचर में, इसको आप मेजर कर सकते हैं एट टू फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल और एट टू फेयर वैल्यू थ्रू ओ सी एल। तो फ्यूचर में हम इसको रिवैल्यू भी करके रहेंगे और जो डिफरेंस आएगा या तो वो पी एंड एल में चार्ज हो जाता है या फिर आपका अगर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल 63। तो जिससे ये रिलेटेड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसमें देखिए डेटा मेंशन किया है कंपनी ए एक्वायर्स ए कंपनी बी बिजनेस, बी कंपनी हैज ए पेंडिंग सूट फाइल्ड बाय इट्स कस्टमर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹5 लाख व्हिच हैज बीन डिस्क्लोज्ड एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बिकॉज इट वाज नॉट प्रोबेबल दैट अमाउंट वुड बी पेएबल। सो ए डिटरमिन्स फेयर वैल्यू ऑफ सच लाइबिलिटी को भी 1,50,000 दैट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शैल बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ परचेज कंसीडरेशन इन स्कीम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन बाय कंपनी ए। उसमें देखिए आपको डेटा मेंशन किया है कंपनी ए ने एक्वायर किया है बी को, कंपनी ए एक्वायर्स बी और बी की एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है विच इज पेंडिंग सूट इन ए कोर्ट। तो इसकी जो वैल्यू है तो इसको हमने एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शो किया है जिसे कॉन्टिंजेंसी ऑफ ₹5 लाख। अब इसका रीजन उन्होंने मेंशन किया है बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट अमाउंट विल बी पेएबल। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट प्रोबेबल दैट अमाउंट वुड बी पेएबल। तो नॉट प्रोबेबल का मीनिंग होता है कि यदि आपको इसके अगेंस्ट कोई अमाउंट पे करना भी पड़ता है पर उसका जो चांस है तो जिस चांस ऑफ पेमेंट इज लेस देन 50%। तो उस केस में जब आपका जो प्रोबेबिलिटी है पेमेंट की वो लेस देन 50% है तो उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं अपनी बुक्स में एज ए लाइबिलिटी। तो ये बेसिक रूल है हमारा एज पर इंड एस 37 विच डील्स विद योर प्रोविजन एंड योर कॉन्टिंजेंसी। बट बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमारा रूल डिफरेंट है। तो ए जो एक्वायरर है इस केस में, तो उस केस में आपका अप्लाई होगा इंड एस 103। उसमें क्या रूल है आपका, यदि आपकी कोई भी कॉन्टिंजेंसी है एक्वायरी की और उसका यदि आप फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल, उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है एज ए लाइबिलिटी। तो इट मीन्स द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ एक्वायरी विद फेयर वैल्यू, जिसकी फेयर वैल्यू है आपकी जो आपकी आइडेंटिफिएबल है, मीन्स विच कैन बी मेजर्ड आइडेंटिफिएबल, या हम कहते हैं दिस कैन बी मेजर्ड एंड इवन इफ नोट प्रोबेबल। और जबकि ये प्रोबेबल नहीं भी है, इवन इफ नोट प्रोबेबल, बट इट शैल बी रिकोगनाइज एज ए लाइबिलिटी। इसको आपने रिकोगनाइज करना है, इट शैल बी रिकोगनाइज एज ए लाइबिलिटी। इसमें जब आप इसको रिकोगनाइज करेंगे लाइबिलिटी पर तो इसके गुडविल और जो कैप्चर रिजर्व है वो आपका अफेक्ट हो जाएगा इस केस में। इट मीन्स इवन इफ इट इज नॉट प्रोबेबल, मीन्स इसका जो चांस है इट इज लेस देन 50%, बट इट शैल बी रिकॉग्नाइज एज ए लाइबिलिटी। नेक्स्ट लेके एग्जाम्पल 64, दिस इज रिलेटेड टू इंडेमनिफिकेशन एसेट। इसमें देखिए आपको डेटा मेंशन किया है एज पार्ट ऑफ एन एक्विजिशन द सेलर प्रोवाइड्स एन इंडेमनिफिकेशन टू द एक्वायरर फॉर पोटेंशियल लॉसेज फ्रॉम एन एनवायरमेंटल इशूज बाई रीइंबर्समेंट ऑफ एनी लॉसेज ग्रेटर दैन ₹10 लाख। तो इसमें जो सेलर है मीन्स जो एक्वायरी है उसने गारंटी ली है, इंडेमनिफिकेशन होता है कि हम गारंटी देते हैं कि जो आपका एनवायरमेंटल से जो लॉस होगा वो आपका जो है कोई भी यदि ग्रेटर दैन होगा 10 लाख तो दैट विल बी कंपनसेटेड बाई द एक्वायरी। इट इज गिवन दैट पोटेंशियल लॉसेज फ्रॉम एनवायरमेंटल इशू बाई रीइंबर्समेंट ऑफ एनी लॉसेज ग्रेटर दैन ₹10 लाख। अब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ₹12 लाख इज रिकॉग्नाइज बाय द एक्वायरर ऑन एक्विजिशन डेट फॉर एनवायरमेंटल इशूज। और जो एक्वायरर है उसने एक लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज की है बुक्स में अपनी 12 लाख की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की, पर इसकी फेयर वैल्यू दी है तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बट एट द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड द अमाउंट रिकॉग्नाइज फॉर द एनवायरमेंटल लाइबिलिटी इंक्रीज टू 13 लाख। बट नेक्स्ट ईयर में अब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है 13 लाख बेस्ड ऑन न्यू इन्फॉर्मेशन। सो हाउ इंडेमनिफिकेशन ऐसे के शैल बी रिकॉग्नाइज बाय एक्वायरर। तो देखते हैं एक्वायरर की बुक्स में किस तरीके से रिकॉग्निशन होगी
बुक्स ऑफ एक्वायरर, तो पहले को आ गया आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन। उस टाइम जब हम अपनी एंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, टू कॉन्सिग्रेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और जैसे बाप एक इसमें अभी ये लाइबिलिटी है फॉर एनवायरमेंटल इशूज, तो उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, टू लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल इशूज, रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में। तो लाइबिलिटी की भी वैल्यू है वो देखो, आपको मेंशन की है 12 लैक्स, तो उसको तो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया अपनी बुक्स में 12 लैक्स में बेस पे, कॉन्सिडरेशन में मेंशन नहीं किया है। बट एक्वायरी ने गारंटी दी है कि यदि इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, तो वो हमारे लिए इंडेमनिफिकेशन ऐसे मानी जाएगी कि आपका लॉस जो है वो इंडेमनिफाई हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। कितना होगा? अबव 10, इट मीन्स 2 लाख की हमारी इंडेमनिफिकेशन एसेट बन जाएगी, उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, इंडेमनिफिकेशन एसेट अकाउंट डेबिटेड ₹2 लाख इन दिस केस। और जो डिफरेंस है वो आपका ऑटोमेटिकली गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक एंट्री है आपकी। अब ये जो लाइब्रेरी अपने क्रिएट की अपनी बुक्स में फॉर एनवायरमेंटल इशू, इसको फ्यूचर में हमने रिवैल्यू करने हैं एज पर इंड एस 37 या जो भी इसकी फेयर वैल्यू है, विच एवर इज हायर। अब देखो इसमें आपको मेंशन किया है इसकी जो फेयर वैल्यू है वो होगी आपकी 13 लैख से, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको हम कहते हैं इनडेमनीफाइड आइटम। ये जो लाइबिलिटी है जिसके अगेंस्ट आपने इनडेमनीफिकेशन एसेट बनाई है, इसका नाम है इनडेमनीफाइड आइटम, इनडेमनीफाइड आइटम। जैसे जैसे आप इनडेमनीफाइड आइटम को रिवैल्यू करोगे, तो उतना ही अमाउंट आपने इनडेमनीफिकेशन एसेट में रिवैल्यू करने हैं। तो इट मीन्स अब देखिए, आप नेक्स्ट जब आपकी रिपोर्टिंग डेट आएगी, विच इज एंड ऑफ ईयर, विच इज आफ्टर एक्विजिशन, उस टाइम अब आपने लाइबिलिटी की वैल्यू होगी है 13 लैख से, तो इट मीन्स 1 लैख से आप लाइबिलिटी इंक्रीज करोगे और 1 लैख से ही हमारी इनडेमनीफिकेशन एसेट जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने एंट्री रिकॉग्नाइज करके नहीं अपनी बुक्स में इनडेमनीफिकेशन, सो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी फॉर एनवायरमेंटल इशूज, दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय रुपीज 13 माइनस 12, विच इज 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख से आपकी ये दोनों आइटम्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेके सी एग्जाम्पल 65, किसी रिलेटिव है कि इनटेंजिबल एसेट विच इज इन रिलेशन टू इन प्रोसेस आरएनडी ऑफ एक्वायरी। तो लेके सी क्वेश्चन इज गिवन, तो पी लिमिटेड के फार्मा ग्रुप एक्वायर से क्यू लिमिटेड यानी कि फार्मा बिजनेस, क्यू लिमिटेड है इनकल के सिग्निफिकेंट रिसर्च कॉस्ट्स इन कनेक्शन विद टू न्यू ड्रग्स दैट हैव बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। आउट ऑफ द टू ड्रग्स, वन ड्रग हैज नॉट बीन ग्रांटेड नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल, हाउएवर पी लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट अप्रूवल विल बी गिवन विदिन 2 ईयर्स। द अदर ड्रग हैज रिसेंटली रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल, द ड्रग्स रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस व्हाई एनजीपीपी डिसाइडेड टू एक्वायर क्यू लिमिटेड। को पी ने क्यू को एक्वायर किया है बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स दैट देयर विल बी गुड रेवेन्यू फ्रॉम दीज ड्रग्स इन फ्यूचर। सो वेदर आरएनडी ऑन ईदर ऑफ द ड्रग्स बी रिकॉग्नाइज एज इनटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो आपको देखना है पी की बुक्स में क्या हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज इनटेंजिबल एसेट विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्वायरी कंपनी। तो आपको देखो डाटा मेंशन किया है पी फार्मा कंपनी है, इसने एक्वायर किया है क्यू लिमिटेड को, एक्वायर से क्यू लिमिटेड। सो क्यू लिमिटेड है इनका जो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च कॉस्ट, और उसके बेस पर अब इसने डेवलप किए हैं अपनी 2 ड्रग्स हैं, ड्रग 1 एंड 2। क्योंकि ड्रग 1 है तो नॉर्मली जब भी हम कोई मेडिसिन या ड्रग्स फॉर्मुलेट करते हैं उसके लिए हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, इसकी जो अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है, अप्रूवल पेंडिंग। और जो ड्रग नंबर 2 है उसके अगेंस्ट आपको अप्रूवल अभी अभी रिसेंटली मिल गई है, अप्रूवल रिसीव। पर जो फर्स्ट ड्रग है जिसकी अप्रूवल पेंडिंग है, सो पी लिमिटेड जो एक्वायरर है उसने एस्टिमेट किया कि अप्रूवल विल बी गिवन विदिन नेक्स्ट 2 ईयर्स, सो इट विल बी रिसीव्ड। तो ये जो अप्रूवल है इट विल बी रिसीव्ड विदिन नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो नेक्स्ट 2 सालों में आपको अप्रूवल मिल जाएगी।
वहाँ का बेसिक रूल क्या है, या आपने इनटेंजिबल एसेट जो है जब भी आप अक्वायर करते हैं उस अक्वायरी की, उसको आपने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि सेपरेटली रिकॉग्नाइज फ्रॉम गुडविल, गुडविल से सेपरेटली रिकॉग्नाइज करके हैं, तो यदि को आपको इससे फ्यूचर बेनिफिट जनरेट होंगे। नंबर वन ये है कि ये सेपरेटली आपको आइडेंटिफिकेबल होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेबल एंड, और उसकी वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं, फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड, लेकिन आप उसकी फेयर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। एंड सेकंड है कि फ्यूचर में आपको एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलने चाहिए, इसमें देर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। इट मीन्स हम एक इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो आइडेंटिफाइबल होती है और मेजरेबल होती है, उसकी फेयर वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं। सेकेंड, और उससे आपको फ्यूचर में मिलेंगे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो इस केस में देखो, ड्रग टू जो है जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है, तो इट मीन्स ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल भी है और उससे आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, तो उसकी फेयर वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे। और जो ड्रग बने हैं इसकी भी अप्रूवल मिलने वाली है, प्रोबेबिलिटी है, तो इट मीन देयर फॉर बोथ ड्रग्स सो शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का जो नाम आएगा गैट विल बी अवर इन प्रोसेस अरेंज, जैसे कि इन प्रोसेस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट फॉर ड्रग्स, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन एक्विजिशन के ऊपर। फर्दर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।